नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, रीट भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। अभी मॉर्निंग के न्यूज़ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये न्यूज़पेपर की कोई प्रिंटिंग, इसमें जैसे क्लियरली लिखा हुआ रीट 1.5 साल में 5वीं बार टलेगी। डोटासरा बोले 20 जनवरी को नहीं होगी परीक्षा। यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने कहा है कि भी 20 जून को परीक्षा नहीं होगी। आइए देखते हैं क्या पूरी न्यूज़। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, 16 लाख अभ्यर्थियों ने को बड़ा झटका। 20 जून को परीक्षा नहीं होने के लिए शिक्षा मंत्री जो अपने राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, उन्हें कहा कि कोरोना को देखते हुए 20 जून को परीक्षाएं नहीं कराई जा सकती। इसके बारे में जल्द ही वो सीएम से इस विषय पर चर्चा करेंगे। 31,000 वैकेंसी थी जो रीट की, उनको अभी एक बार फिर से आगे खिसकाने की चर्चा चल रही है। ये परीक्षा है अभी 1.5 साल में 5वीं बार आगे खिसकाई जा रही है। पहले ये 25 अप्रैल को होनी थी, फिर इसकी डेट बदलकर 20 जून करी गई, लेकिन अभी 20 जून के भी कोरोना के जो हालात बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए 20 जून से भी इसको आगे खिसकाया जा सकता है। इसमें टोटल 16 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। एंड दूसरा इसमें यह भी है कि जो EWS की जो कैटेगरी है उसके लिए भी इनको रीओपन किया जा सकता है, क्योंकि EWS की कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें आवेदन करेंगे। तो ये है रीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, लेकिन आप तैयारी करते रहें। अगर दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।